हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज का थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट कि हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें ताकि जो हमारा केराटिन ट्रीटमेंट है वो ख़राब ना हो। तो केराटिन का क्या रहता है, अगर आप कोई लोकल ब्रांड का शैम्पू यूज़ करते हैं आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट तो आपकी जो केराटिन है वो ख़राब हो सकती है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने केराटिन कराई पर ज़्यादा नहीं चली, तो क्या ऐसे क्या गलती हो गई। तो उसका मेन रीज़न रहता है शैम्पू। अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद उस किट का शैम्पू यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, जो केराटिन होगी आपकी पूरी खुल जाएगी। और आपको पता ही होगा जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो इतना सस्ता नहीं है, वो काफ़ी कॉस्टली है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ है। तो कहीं कहीं जगह ये 10,000-15,000 तक भी जाता है। तो अगर आपने केराटिन कराई है या कराने जा रहे हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केराटिन कराने के बाद बेस्ट शैम्पू कौन सा है ताकि आपकी जो केराटिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, और आपका ट्रीटमेंट कराने के बाद आपके जो हेयर हैं वो कम से कम 6 to 8 months तो चल ही पाएँ। क्योंकि कई लोगों का क्या है कि केराटिन करा के आते हैं और उनकी जो केराटिन है वो 1 month में ही खुल जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक बार हमने 10,000-15,000 rupees खर्च कर लिए हैं तो अब हमें शैम्पू की क्या ज़रूरत है, हम कोई लोकल ब्रांड यूज़ कर लेते हैं। पर ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो अगर आपने भी केराटिन कराई है या कराने जा रहे हैं तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा ना हो कि आप एक बार 10,000-15,000 rupees स्पेंड कर दें, उसके बाद आपकी केराटिन 1 month भी ना चले। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बेस्ट शैम्पू क्या है आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट। तो ये देखिए, ये है वो शैम्पू। मैं आपको इसका लाइक क्लोजअप लुक भी दिखा दूंगी। मैं कंपनी बता देती हूँ, ये है जीके का शैम्पू। जीके की ही केराटिन ट्रीटमेंट की किट आती है। अगर आप जीके की कराना जा रहे हैं और जीके की आपने कराई हो तो जीके का ही शैम्पू यूज़ करें। ये सबसे नंबर 1 पे है अभी केराटिन में। तो अगर आप कोई लोकल ब्रांड की केराटिन कराते हैं तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी, और अगर आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं अपने केराटिन को तब आप जीके को ही चूज़ करें। तो इसके ऊपर लिखा है जीके हेयर बैलेंसिंग शैम्पू, और ये आ जाता है 1000 ml के साथ, मतलब 1000 ml की आपको इसके अंदर क्वांटिटी मिलेगी। प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, केराटिन के जो ट्रीटमेंट है वो जब महंगा है तो शैम्पू भी महंगा ही होगा। तो ये शैम्पू आपको पड़ेगा 3000 rupees में। पर अगर आप केराटिन को 6 to 8 months तक चलाना चाहते हैं तो आप यही वाला शैम्पू यूज़ करें, आप कोई और शैम्पू मत यूज़ करें। तो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके अंदर है एक्वा, सोडियम, मिथेल, ग्लाइकोल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रोफेशनल रहेंगी, तो ये तो मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ। तो प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 3000 rupees। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके शेल्फ लाइफ की। तो इसकी शेल्फ लाइफ है 3 years की, आपको यहाँ पे दिख जाएगा जब आप बॉटल परचेज करोगे। और ये बॉटल इजीली आपको अमेजोन, ऑफलाइन, ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी। पैकेजिंग की बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी सेफ बॉटल है, क्योंकि काफ़ी टाइट कैप दी गई है। अंदर इसके अंदर आप देख सकते हैं पंपिंग वाला ऑप्शन दिया गया है, तो ज़्यादा निकलने की कोई टेंशन नहीं है। स्टाइलिश है बॉटल देखने वाइज भी, और काफ़ी बड़ी है, तो ये तो कोई केराटिन के बाद रोज तो हेड वॉश करेगा नहीं। तो केराटिन का ये जो शैम्पू है आपका इजीली 2 to 3 months तो चली जाएगा। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूँ, कई लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं केराटिन और रिबॉन्डिंग के अंदर। लोगों को लगता है कि उन्होंने केराटिन कराई है तो रिबॉन्डिंग और केराटिन सेम होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रिबॉन्डिंग जो होती है वो बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए होती है, और केराटिन जो है ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है। इसके अंदर क्या रहता है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बालों का टेक्सचर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो इसके अंदर एक ट्रीटमेंट दिया जाता है बालों को। एक तरीके का आप कह सकते हैं प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है बालों को, उससे बालों का जो है हेल्थ अच्छी होती है। तो और जो रिबॉन्डिंग होती है उससे क्या रहता है कि बाल स्ट्रेट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाइक कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि हमने केराटिन और रिबॉन्डिंग एक ही चीज़ है, तो वो डाउट को मैं क्लियर कर रही हूँ।
तभी जो है इनके शैम्पूज अलग अलग है, रिबॉन्डिंग का अलग है, कैरेटिन का अलग है। तभी कैरेटिन को कैरेटिन ट्रीटमेंट बोला जाता है क्योंकि ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है। हाँ, इससे बाल आपके थोड़े बहुत स्ट्रेट होंगे पर रिबॉन्डिंग वाला लुक नहीं आएगा। तो अगर आप ये सोच के कैरेटिन करा रहे हैं कि हम रिबॉन्डिंग कराने जा रहे हैं, मतलब रिबॉन्डिंग जैसे हमारे बाल हो जाएंगे, तो वो सोचना आपका गलत है क्योंकि कैरेटिन एक ट्रीटमेंट है और रिबॉन्डिंग जो है वो बालों को स्ट्रेट करने का प्रोसीजर है। तो अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 3400। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू द स्टोर पे डिपेंड करता है, 3000 का भी मिल सकता है, ऊपर नीचे इसका प्राइस हो सकता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कैरेटीन ट्रीटमेंट होता कैसे है तो उस पर मैंने एक वीडियो भी शूट की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कैरेटीन ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो ये देखिए, ये है शैम्पू का क्लोजअप लुक, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है GK हेयर बैलेंसिंग शैम्पू और लिखा है 1000 ml। अगर हम इसके पीछे देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन USA। तो ये USA का ब्रांड है, ये कोई लोकल ब्रांड बिल्कुल नहीं है, तो आप इसी को यूज़ करें। तो यही था बस मेरा आज का रिव्यू, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय।